नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल राज शर्मा इंदौरी को, बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। लेडीज जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अगले तीन नाम अनाउंस करने से पहले एक हमारे स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस होगी बाय मलिका शरावत। नहीं होगी, मैं यही कह रहा था कि नहीं होगी, हम कंटिन्यू रखेंगे, अगले तीन नाम अनाउंस करेंगे, राइट। अब पॉइंट यह है कि ये तीनों जो नाम हैं, उसमें से एक नाम के अंदर जो पहला नाम है वो एस लेटर से शुरू होता है, ठीक। पर दिक्कत की क्या बात है, इन तीन लोगों में से दो लोग ऐसे हैं जिनका पहला लेटर जो है उनके नाम का वो एस से शुरू होता है। अब भाई साहब थोड़ा सा भार घटेगा, किसी का बढ़ेगा, किसी की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। अब समझ नहीं आ रही कि जो दो तो बता दिया एस से है, अब तीन नाम थे, तीन में से जो एक है ना, तो मैं उसका पहला अक्षर बताऊंगा ना मैं उसका लास्ट बताऊंगा, क्योंकि जब समय आएगा तभी अनाउंस करेंगे। लेडीज जेंटलमैन, अनदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, जिनको सुनना मुझे भी बहुत पसंद है, पूरे हिंदुस्तान के विदेशों में लोग उनके फैन हैं, जोरदार तालियों से बुलाते हैं स्टेज पर एक जादूगर को जिनका नाम है एसपी भरेल, और उनके साथ आ रही है उनकी वाइफ मिसेस संध्या भरेल। लेट्स गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हम चल पड़े हैं दिल में सपना लिए एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। हम चल पड़े हैं दिल में राह लिए, मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you well and everything, yes. 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 हर कदम के साथ जीत हो आसान, कदम चूमे आसमान। Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. Ladies and gentlemen, Mr. Bharil ka check hai 59,71,957। एक बार जोरदार तालियां। एमडी सर ने तो अभी बताया ही कि वीडियो देख देख के हम भी खुद मोटिवेट होते रहते हैं, राइट। तो क्या कहूं, बट दुनिया सुनना चाहती है ये जर्नी। तकरीबन दो साल हुए अभी वेस्टीज में, 26 महीने टू बी प्रिसाइज, और एक साल जो लास्ट साल था वो 5 करोड़ के क्लब के लिए। 26 महीने का सफर, मैं एक लाइन कहना चाहता हूं भगवान को साक्षी मान के, ये जो पैसा है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लान, ये प्लान के बाहर का पैसा है,
और एसपी भरेल एंड फैमिली इस पूरे चेक का 5% अमाउंट हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन में भी डोनेट करने को तैयार है। नमस्कार वेस्टइज, थैंक यू। 1999 ये वो समय था जब मेरे फादर ने एक डिसीजन लिया कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। मैं तब सिर्फ 8 साल का था और हम तीनों काइनेटिक पे घूमा करते थे। वो काइनेटिक वो होती थी जिसमें मैं आगे खड़ा होता था और जिसका हैंडल घुमाओ तो हाथ आ जाता था, फंस जाता था। दोस्तों आज ये वही हाथ मर्सिडीज बेंज के स्टीयरिंग पे रखता हूं और गर्व से कहता हूं कि जयपुर से दिल्ली आज उसी गाड़ी में आया हूं, ब्लैक मर्सिडीज बेंज में। बहुत काम किया मेरे फादर ने इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में 1999 से लेकर 12-13 साल तक तथाकथित गोरों की कंपनी में काम किया। वो सिर्फ 20 लाख रुपए तक की गाड़ी तक पहुंचा पाए थे, यहां सिर्फ 5 महीने के अंदर 50 लाख रुपए की गाड़ी ली। और 2004 में मैंने एक बात कही थी, वो मैं आज दोबारा दोहराना चाहूंगा। वो बात मैंने 2004 में कही थी, बहुत दूर तक गई। माई फादर इज लाइक अ कैंडल हु बर्न्स हिमसेल्फ to light others. मेरे फादर एक मोमबत्ती के समान है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जलाते हैं। और आज गर्व से कह सकता हूं कि एक मोमबत्ती वो है, एक मोमबत्ती मैं हूं और हम मिलके दुनिया को रोशन करने चले हैं। और सिर्फ हम दो नहीं हैं, हम सारे हैं। और हम सारे मोमबत्ती नहीं, मशाल हैं। एक मशाल बन के इस पूरी दुनिया को रोशन करेंगे, वैसी चीज को घर घर लेके जाएंगे ताकि घर घर में इस तरह के चेक पहुंचे। दो वो समय है जब मैं खुद एक्टिवली इस इंडस्ट्री में कदम रखा। 2011 और 2011 में मैं 21 साल का था। 18 साल एक लीगल एज होती है इस बिजनेस को ज्वाइन करने की, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं नेगेटिव था इंडस्ट्री से। और 2011 में जब मैंने कदम रखा तो पॉजिटिव होके रखा और ये सोच के रखा कि इसमें पैसा तो बहुत है, हम शायद गलत जगह हैं। और 2011 के बाद कुछ साल बाद 26 महीने पहले जब हम वेस्टइज में आए तो उससे कुछ समय पहले मैं गया दुनिया में घूमने के लिए। और दुनिया में घूमने के लिए इसीलिए गया कि देखूं तो सही कि कोई तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो इसके टक्कर दे सके, इसके टक्कर में कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी। मैं गया वॉरिक बिजनेस स्कूल में, मैंने पढ़ा, टॉप बिजनेस स्कूल है, अंबानी अपने बच्चे को उस यूनिवर्सिटी में भेजता है, भेज चुका है, अंबानी का बच्चा वहां से पढ़ चुका है। मैं भी वही गया ये देखने के लिए कि कोई तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो शायद इसको टक्कर दे सके। मैं मिला रोल्स रॉयस के मालिकों से, कोका कोला के डायरेक्टर से, पेप्सी के डायरेक्टर से, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जो भी बेस्ट कंपनीज हैं उन लोगों से मिला। पर दोस्तों आपको बता दूं, सारी स्टडी एक साल की करने के बाद, कि डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टइज जैसा कोई प्लेटफॉर्म ना था, ना है और ना रहेगा, नहीं होने वाला। क्योंकि 26 महीने में अगर ये कमाल हो सकता है तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ था, सिर्फ 2 लोगों के साथ शुरुआत की थी 26 महीने पहले। ओनली 2 लेग्स, सिर्फ 2 लेग्स थी। यहां पे बैठे हर एक व्यक्ति के पास उससे ज्यादा लेग होंगी मेरे ख्याल से। पर दोस्तों सिर्फ एक डिसीजन जो आपको आज लेना है, यहां पर जो भी यहां पे आज 10,000 लोग बैठे हैं, उन लोगों को सिर्फ एक डिसीजन लेना है। 10,000 लोग, 6,000 लोग बैठे हैं, हजारों लोग इसे लाइव देख रहे हैं। वो एक डिसीजन 1999 में लिया था और वही एक डिसीजन 1897 में लिया था एक व्यक्ति ने जिसके साथ शायद कोई नहीं था, कोई जना उसके साथ नहीं खड़ा था, वो अकेला बंदूक लेके खड़ा था। और जब सामने हजारों लोगों की सेना आई
हजारों लोगों की सेना आई तो वो छोटी सी टुकड़ी जो उसके साथ थी वो भी छोड़ के भाग गए उसे। और फिर उसने बंदूक तानी और बंदूक चलाई। वो 1897 में एक डिसीजन लिया था मंगल पांडे ने दोस्तों, आज उसकी वजह से हम एक आजाद देश में सांस ले रहे हैं। आज 99 में जो मेरे फादर ने डिसीजन लिया था मैं उसे आगे लेके जा रहा हूं। मेरे फादर ने यह सोच के डिसीजन लिया था कि देश तो आजाद हो गया, मेरे परिवार की आर्थिक आजादी के लिए मुझे ये डिसीजन लेना है। 1999 में लिया गया डिसीजन आज इस जनरेशन तक पहुंचा है। आप जो आज डिसीजन लेंगे वो आपके परिवार की आर्थिक आजादी के लिए लेंगे। याद करेंगी आपको आने वाली पुश्तें कि धन्यवाद करेंगी कि आपने वो डिसीजन लिया, वेस्ट चीज किया ताकि आने वाली जितनी जनरेशन आपकी हैं वो फाइनेंशियली फ्री हो सके। इसलिए वो एक डिसीजन आज आपको लेके जाना है यहां से विद दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सोच के आई थी वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं, लेकिन मैंने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो एक सिक्योर्ड इनकम जो हमने चाही थी, बहुत साल हमने कहीं लगा दिए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। अपने सपने तो पूरे नहीं कर पा रहे थे लेकिन लोगों को भी विश्वास नहीं दिला पा रहे थे कि सचमुच में कुछ होगा। लेकिन आज मैं यहाँ से खड़े होकर कह सकती हूँ कि सचमुच में सपने पूरे होते हैं, होते हुए मैंने देखे हैं। अभी हमने जो वीडियो देखी थी सुदर्शन मोहंती जी की, मेरी आंखों में आंसू थे कि रियली में लाइफ में सबके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन जब हमने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था मैंने, तब मैंने सिर्फ वही एक चीज़ देखी थी, क्योंकि मैंने भी लाइफ में अप एंड डाउन्स बचपन में ही ऐसा कुछ देख लिया था तो मुझे एक फियर सा हो गया था कि कभी कुछ हो जाता है तो क्या होगा उस फैमिली का। लेकिन आज यहाँ बैठ के मुझे एक बहुत बड़ा सुकून मिला है कि रियली में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें, जो यहाँ पर मैनेजमेंट है उन्होंने हमें जो प्यार दिया है, रियली मैं सल्यूट करूँगी उनको कि उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है, उन्हें एक रास्ता दिया है कि सचमुच में हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही तरीके से अपने कमिटमेंट के साथ अपना काम करते रहें तो वो दिन दूर नहीं है जब सबके सपने पूरे होंगे और हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये चेक आपका नहीं है, मैं आपको दे भी नहीं सकता हूं चाहूं तो भी, क्योंकि ये डुप्लीकेबल नहीं है। अगले साल आपका आएगा तो फिर क्या करोगे, फिर उसे भी देना पड़ेगा। लेकिन ये चेक एसपी भारेल और फैमिली का नहीं है, ये चेक एक होप है। जितने लोगों को यहां चेक मिले, पहले चेक से लेकर अंतिम चेक तक, वो एक आशा है, सिर्फ एक आशा, एक उम्मीद। मत समझना कि ये लोग जो स्टेज पर आए बहुत बड़े लोग हो गए, इनके पास लाखों के चेक आ गए। ये उम्मीद है उस व्यक्ति के लिए जिसने भी प्रेस्टीज के हरे रंग के फॉर्म पे साइन किया है। लोग कहते हैं एसपी भारेल ने साबुन तेल का धंधा शुरू कर दिया। हम सोप सेल नहीं करते हैं, हम होप सेल करते हैं। We are selling hope. हम आशा बेचते हैं, हम सपनों के सौदागर हैं, हम सपने बेचते हैं। जब यहां से बाहर जाओगे ना तो एक कमिटमेंट लेके जाना कि अगली बारी हमारी होगी। मुझे याद है वो दिन जब हम 14 लोग थे उस मीटिंग में और वेस्टीज के लोग थे 8। और दीपक जी पता है उन 14 में से 6 छोड़ के चले गए अगले महीने। कितने बचे? 9। 14 में से 6 गए, कितने बचे? 8। 8 में से 2 हम में और सर्वज्ञ, कितने बचे? 6। 2 लेग 6 लोग। लोग कहते हैं एसपी भारेल बहुत बड़ा आदमी है, आसमान से टपका के लाया होगा लेग, इकट्ठी की होंगी मैंने सारे लोगों को। मैं आपको एक होप दे रहा हूं, 2 लेग 6 लोग 26 महीने पहले। इतनी बुरी हालत तो किसी और की नहीं होगी यहां पर। और मुझे याद है जब हम टी ब्रेक था और बाली साहब, सर सुन रहे हैं? सर सुन लो, बाली साहब ने मेरे कमर में हाथ डाला था, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, और मुझसे कहा था सर ये अगर जितने दिख रहे हैं ना ये 14-15 ये भी अगर नहीं आए ना तो
तो चिंता मत करना, आप और मैं पूरे हिंदुस्तान को एक कर देंगे। मुझे पता नहीं इन्होंने क्या देखा आंख में, और शायद वो डायलॉग आज आपने मारा नहीं जो आपको मारना है। मैं पहले मैं बोलूंगा सर, जिस दिन मिलने के लिए तैयार हो गए थे तो मैंने समझ, मेरे को पता था कि जा तो कोई भी नहीं सकेगा। नहीं, अपना तो रिकॉर्ड है कि या तो मिलो मत, अगर मिल लोगे कमर में क्या हाथ डाल के उठा के ले जाएंगे। मैंने जब इनको पहला फोन किया था तो मैंने पता है क्या पूछा इनको फोन करके, मिस्टर गौतम आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है पहले फोन पे, तो ये बोले 500 करोड़। मैंने कहा 10 साल का मिला के या 1 साल का। अच्छी बात तो ये कि हंसे नहीं, अगर इस फोन पे हंस जाते तो मैं समझता कि फर्जीवाड़ा है। उन्होंने कहा नहीं सर 10 साल का है। तो मैंने कहा चलो एक मीटिंग करते हैं। उस पहली मीटिंग में कुछ मोहब्बत हो गई, और पता नहीं ऐसी आंखों में क्या गुरूर है आपके, आज इतनी बड़ी ऑडियंस के अंदर मेरा तो पत्ता और नंबर बिल्कुल काट दिया। अब कोई मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा। लव यू ऑल। सर एक एक लाइन उन्होंने कही थी जो उनका पेटेंट डायलॉग है और ये फॉलो करते हैं कि सर मैं बहुत बड़ा जुआरी हूं और मैं जुआ आदमियों पे खेलता हूं पत्तों पे नहीं। आज बहुत ज्यादा बात कहने का वक्त नहीं है ना समय है, अभी हमें दो लोगों के मोटे मोटे चेक और देखने हैं। इसमें हंसने की क्या बात है, वो तो है ही ना। लेकिन मैंने 4 लाइन आज सुबह लिखी थी होटल में, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं 4 लाइन। और मैं कोई कवि मभी तो नहीं हूं, मुझे याद भी नहीं थी, वो लिख रहा हूं मैं, लिखा है तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। जीने के लिए बच्चे को मां का आंचल चाहिए, जीने के लिए बच्चे को मां का आंचल चाहिए, मंगल के लिए, मंगलयान के लिए, मंगल के लिए आसमां को एक कलाम चाहिए, इंसान के लिए धरती को एक गांधी चाहिए, और सपनों के इस मिशन के लिए भारिल को एक बाली चाहिए। थैंक यू सो मच। कदम के साथ जीत हो आसान, कदम चूमे आसमान। कांग्रेचुलेशन्स टू द भरेल फैमिली।